हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज अभ्युदय, अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। तो आपका जो नीट का रिजल्ट है वो आने ही वाला है, एक दो दिन में आपका नीट का रिजल्ट आपके पास होगा। बट फाइनल आंसर की आ चुकी है। आप अभी तक अगर आपने अपने आंसर की नहीं मिलाई है तो जाके मिला लो, तीन आंसर से चेंज है, देखो कि क्या चेंजेस आए। और फिर उसके बाद अपने मार्क्स कैलकुलेट करो, अगर आपके जो भी मार्क्स आपके जितने आप चाहते थे उतने आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बट अगर आपके जो मार्क्स हैं वो उतने एक्सपेक्टेड नहीं आ रहे हैं, जितना आप चाह रहे थे उतने मार्क्स अगर आपके नहीं आ रहे हैं और आप एक नया स्टार्ट लेने का सोच रहे हो फॉर नीट 2024, तो उसके ऊपर ये वीडियो होने वाली है कि हाउ टू स्टार्ट फॉर नीट 2024। क्या चीज़ें जो हमने नीट 2023 में गलत करी थी, या नीट 2023 में किन फैक्टर्स की वजह से हमारे कम नंबर आए, या किन चीज़ों की वजह से हम इस बार सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उन चीज़ों को हम एलिमिनेट करके कैसे नीट 2024 में सिलेक्शन ले सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, टेक अ न्यू स्टार्ट। ठीक है, अभी तक जो भी आपने पढ़ा उसको आपके अच्छा है, आपको देखो सब लोग अभी डिफरेंट लेवल पे होंगे। हो सकता है कि एक के 500 नंबर आ रखे हो वो भी ड्रॉप कर रहा हूँ, और एक के 100 नंबर आ रहे हो वो भी ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत जो 100 नंबर वाले होंगे उनको हमेशा ऐसा फील होता होगा कि 500 नंबर वाला हमसे आगे, बट ऐसा नहीं होता है। एक साल, वन ईयर इज इनफ। एक साल में आप ना 100 नंबर पे हो, आप 500 नंबर वाले को आसानी से पीछे कर सकते हो, और जो 500 नंबर वाला है वो 600 नंबर वाले को आसानी से पीछे कर सकता है। व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको एक नया स्टार्ट लेना है। आपने जो भी अभी तक पढ़ाया दैट इज वेल एंड गुड, बट अभी आप क्या करो, एक नया स्टार्ट लो। ऐसे नहीं करना है कि आपको काइनेमेटिक्स आती है तो मैं काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे क्या कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ूंगा। नहीं, आपको नया स्टार्ट लेना है, आपको नए सिरे से एक अच्छी शुरुआत करनी है। मान लो जब आप अपने 11th में गए थे तब से आपको एक अच्छी से शुरुआत करनी है। ठीक है, सो आपको दो चीजों पे वर्क करना है, एक आपको अपना क्या कहते हैं वर्क करना है। देखो, दो चीजें मैटर करती हैं, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है लक। ठीक है, सो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में हार्ड वर्क, लक हमारे हाथ में नहीं है। सो वी कांट फोकस ऑन लक वाले थिंग पे हम वर्क नहीं कर सकते, हम अब सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क पे कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क हमारे हाथ में है। दो चीजें मिलकर हमेशा सक्सेस बनाती है। देखो, मेरे 710 नंबर आए, आई कांट डिनाई द फैक्ट कि मेरा लक मेरे साथ नहीं था, मेरा लक मेरे साथ हमेशा था। हो सकते थे जो मेरे 710 नंबर थे वो मेरे 690 नंबर आते, बिल्कुल पॉसिबल था, और मेरी जो रैंक 17 थी वो रैंक मेरी क्या कहते हैं 200 भी हो सकती थी। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा लक पे होते हैं। बट क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होता, या मेरा अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता? मान लो मेरे 690 भी आते, नॉट एम्स दिल्ली, बट मेरे को एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता, दैट वॉज ड्यू टू माई हार्ड वर्क जो मैंने 2 साल किया। सो दो चीजें होती हैं, हार्डवर्क और लक। अगर आपने हार्डवर्क किया है तो आपको अच्छा सिलेक्शन मिलेगा, हार्डवर्क कैन इंश्योर यू गुड सिलेक्शन, बट अगर आपका लक आपके साथ मिल गया तो आपका जो रिजल्ट है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, सो अभी आपको किस पे वर्क करना है, हार्डवर्क पे। आपको किस पे ध्यान देना है, हार्डवर्क पे, अपने हाथ में जो है उन चीजों पर करना है। लक को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, लक हमेशा उसी का साथ देता है जिसने हार्डवर्क किया होता है। ठीक है, तो अभी हम देखें, तो सबसे पहली चीज आपको अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, आपने जो भी गलतियां करी 2023 के पेपर में पहले उनको एनालाइज करो, देखो क्या क्या गलतियां करी यार, किन वजह से आपके नंबर कम है। अगर आपके नंबर मान लो फिजिक्स में, मैं कह रहा हूँ फिजिक्स में आपके नंबर 100 है, ठीक है, लेट्स से फिजिक्स में आपके 100 नंबर है, तो आपके कौन से कॉन्सेप्ट वीक रह गए, या आपके कौन से जो टॉपिक्स थे उनमें आपके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे, या आपको कॉन्सेप्ट आता था बट आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आप वो चीजें देखो कि आपकी क्या गलतियां थी। ठीक है, बायो में कौन से चैप्टर्स वीक रहेंगे, अगर आपके 360 में 300 भी नहीं आ रहे बायो में, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है बायो। तो आप देखो चीजों को कि आप क्या किन फैक्टर्स पे क्या कहते हैं मिसिंग थे, क्या आपने मॉड्यूल ज्यादा पढ़ा, क्या आपने कोचिंग पे ज्यादा फोकस किया, एनसीईआरटी पे कम फोकस किया, बहुत चीजें हो सकती हैं, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, बट आप उन रीजंस को एक जगह लिखो, एक कॉपी में लिखो, और आप अपने आप से वादा करो कि आप अब ये गलतियां दोबारा नहीं करने वाले हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग में, तो देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब होती है, जब आप 11th में एंटर करते हो ना तभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब आप कभी भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, द बेसिक फाउंडेशन इज कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे तो आप बाकी की चीजें कैसे जान पाओगे। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इस बार अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्टार्टिंग में ही स्ट्रांग रखो। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, अपने कॉन्सेप्ट्स पे स्टार्टिंग में फोकस करना है। कॉन्सेप्ट्स पढ़ना एक चीज है, बट कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम डे तक रिटेन करना इज अ डिफरेंट थिंग एंड इट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। उसके लिए आप मेमोनिट एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। मेमोनिट एप्लीकेशन पूरा का पूरा एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। मेमोनिट एप्लीकेशन में जो भी सारे क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी की लाइन से उठाए गए हैं और उनको क्या कहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम किया है। जितना भी फॉर्मूला या रिएक्शन है वो मेमोनिट एप्लीकेशन में 3 फॉर्मेट्स में आपको अवेलेबल है। पहला आपका जंबल्ड वर्क, दूसरा आपका मैच टाइप क्वेश्चन, और तीसरा आपका ड्रैग एंड ड्रॉप फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिससे क्या है आपकी जो लर्निंग है वो काफी इंटरेक्टिव बन जाती है और काफी अच्छी इंटरेस्टिंग बन जाती है। उसके बाद मेमोनिट में रिपीट टेक्नोलॉजी का भी क्या कहते हैं अच्छा यूज हुआ है। मतलब कि जो क्वेश्चन आपने फर्स्ट डे प्रैक्टिस किया वो आपको थर्ड डे और फिफ्थ डे और सेवंथ डे मिलने वाला है, जिससे आपका जो क्या कहते हैं रिवीजन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उसके साथ ही साथ मेमोनिट एप्लीकेशन में आपको क्रॉसवर्ड पजल्स, मीम्स एंड बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी
रहेंगी। साथ ही साथ मेमोरेट एप्लीकेशन में आपको एजर्शन टाइप जो क्वेश्चन है वो भी देखने को मिल रहे हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं नीट के एग्जाम की, तो नीट 2022 और नीट 2023 में जो बायोलॉजी का पेपर था उसमें 95% से भी ज्यादा क्वेश्चन मेमो नीट के जो क्वेश्चन थे, जो उनके टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आते हैं, उनके या तो सिमिलर थे या उनके जैसे ही थे, क्या कहते हैं, वही सेम टू सेम क्वेश्चन थे या फिर उनसे सिमिलर क्वेश्चन थे। तो आप मेमो नीट एप्लीकेशन का जो लिंक है उसको जरूर चेकआउट करना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरा कोड यूज करते हो अभी 300 तो आपको वहां पर डिस्काउंट भी मिलेगा। अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़े, तो अब स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट से फोकस करना इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स में आपको तीन चैप्टर से बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पहला बेसिक मैथ, आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री ये एकदम आपके क्या कहते हैं लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ वो पढ़ते रहते हैं बट उनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है, वो एक बार वीडियो देख लेते हैं बट उनको जो क्या कहते हैं उस चीज की अंडरस्टैंडिंग होती है वो कभी आती ही नहीं है। थ्रू आउट द प्रिपरेशन 2 साल हो जाता है बट उन्हें सही से डिफरेंशिएशन करना नहीं आता, उन्हें ये नहीं पता होता डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप होता है कि एरिया होता है, उसी में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आप ऐसे तरह के स्टूडेंट हो तो यार आप चाहे जितना पढ़ लो आप कभी भी सक्सीड नहीं कर पाओगे। सेकंड इज वेक्टर, अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं आता है फिजिक्स में, क्योंकि वेक्टर तो ऑलमोस्ट हर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में अगर पेपर बनाने वाला है तो वो वेक्टर का यूज कर सकता है। सो वेक्टर इज अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको स्टार्टिंग में अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, वेक्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। देन काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन की अच्छी समझ है तो आप पूरे मैकेनिक्स को आसानी से हैंडल कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आपको भी पता यार काइनेमैटिक्स जो है उसके जो क्वेश्चंस है वो कहीं भी बन सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में भी क्या कहते हैं क्वेश्चन बन सकते हैं काइनेमैटिक्स के, वो कहीं भी क्या कहते हैं काइनेमैटिक्स को रिलेट कर सकते हैं। सो ये तीन टॉपिक्स यार आपको बहुत स्टार्टिंग में हेल्प करेंगे, बेसिक मैथ वेक्टर काइनेमैटिक्स, इन पे आप जितना ज्यादा हो सके उतना फोकस करो। देखो रिजल्ट आने के बाद मैं बता रहा हूं 1 महीने बहुत लोग क्या कहते हैं सिर्फ इसी में टाइम वेस्ट करेंगे कि क्या कहते हैं करेगा एक महीने क्या करें अभी क्या कहते हैं मन नहीं है पढ़ने का, अभी 1 साल प्रिपरेशन में आए हैं ये वो, बहुत बहाने देंगे एक्सक्यूजेस देंगे। तो भाई देख लो या तो आपको एक्सक्यूजेस देना है या आपको सिलेक्शन लेना है, एक्सक्यूजेस वर्सेस सिलेक्शन, ठीक है। आपके पास 2 चीजें यहां पर, ठीक है। आप 1 महीने या तो एक्सक्यूजेस दे दो, एक्सक्यूजेस गाने सुन लो यूट्यूब के ऊपर, कुछ भी कर लो आप, वो एक आपके पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक्सक्यूजेस को साइड में रखो और पढ़ाई करो, ठीक है, जो आपको पढ़ाई करनी है। आप ये 3 चैप्टर्स पे 1 महीने फोकस करो, बेसिक मैथ वेक्टर काइनेमैटिक्स, आप बहुत अच्छे से इनको अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखो इन 3 चैप्टर्स पे, और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपकी फिजिक्स अच्छी होगी। मेरे फिजिक्स में पर्सनली 180/180 थे और मेरे ये 3 चैप्टर्स थे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मतलब काइनेमैटिक्स में मैं सिर्फ क्वेश्चन देख के बता देता था इसका आंसर क्या है, और उस अप्रोच के साथ उतनी क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड आपको काइनेमैटिक्स वेक्टर्स और बेसिक मैथ इन 3 चीजों पर रखनी है, ठीक है। नहीं तो अगर आपकी बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जिस भी फिजिक्स के क्वेश्चन में मैथ का थोड़ा सा भी क्या कहते हैं यूज होगा आप वो क्वेश्चन करने से डरोगे और वो डर आपके साथ हमेशा थ्रू आउट द प्रिपरेशन रहेगा, ठीक है। तो अब ये बात होगी फिजिक्स की, मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की। देखो बायोलॉजी की ऐसी कोई स्पेशल बात करने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजी में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक नहीं होते हैं, तो आप बायोलॉजी कभी भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। बायोलॉजी में आपको बस आपका हार्डवर्क चाहिए, आप जितना ज्यादा बायोलॉजी पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा। बट हाँ एक चीज जरूर याद रखना, बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यार मोल कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वहीं पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ये 3 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग भी आपको पढ़ना है अगर मैं बात करूँ, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बाद पढ़ोगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बट एटलीस्ट आप ये 3 चैप्टर तो अच्छे से करो, ठीक है। ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से स्टार्टिंग में 1 महीने में करना है, क्या मोल कॉन्सेप्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इन 3 चैप्टर्स को ज्यादा डेप्थ में मत पढ़ो। मैं डेप्थ में पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप जितना पढ़ते हो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ो, एडवांस लेवल का मत पढ़ो ये नहीं कह रहा, बट इसके क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करो। आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मैलिटी क्या होती है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको कितना ज्यादा डिफिकल्टी आएगा आप खुद सोचो, स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा आप परेशान रहोगे, थर्मोडायनामिक्स में परेशान रहोगे, इक्विलिब्रियम में परेशान रहोगे, आने 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 वाले सारे चैप्टर्स में आपको बहुत सारा परेशानी होगा अगर आपने ये 3 चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े, ठीक है। वही मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, आपने 1000 वीडियो में सुना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जितनी डिटेल में पढ़ सकते हो उतनी डिटेल में पढ़ो, जितने ज्यादा आप रिएक्शन मैकेनिज्म समझ सकते हो उतने ज्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म समझो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको पता है सिर्फ एनसीईआरटी ही बार बार पढ़नी है, इट इज जस्ट लाइक बायोलॉजी, बट बायोलॉजी से काफी डिफरेंट भी है एट द सेम टाइम, क्योंकि बायोलॉजी में क्या है बायोलॉजी में आपको चीजें आसानी से याद होती हैं बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको चीजें आसानी से याद नहीं होती हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी बोरिंग सा टॉपिक हो जाता है कभी कभी कुछ जगहों पर। अब मैं लास्ट
टॉपिक बताना चाहता हूँ लास्ट ईयर यही होगा कि आप 11th और 12th को बराबर फोकस करो। मैं देखा हूँ बहुत बच्चे 12th को ज्यादा फोकस करते हैं बट 11th को कम फोकस करते हैं, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। और कुछ बच्चे क्या होते हैं वो 11th को ही ज्यादा फोकस करते हैं और उनका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाता है जो 12th के आखिर के टॉपिक्स हैं। जैसे केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और फिजिक्स के मॉडर्न फिजिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो छूट जाता है, नहीं तो ऑप्टिक्स छूट जाता है और क्या कहते हैं वहीं में बायोलॉजी में इकोलॉजी वो ढंग से पढ़ के नहीं जाते। सो मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा कि 11th और 12th को आपको इक्वल फोकस करना है। 11th इज नॉट ग्रेटर देन 12th और 12th इज नॉट ग्रेटर देन 11th, दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सो आपको 11th को और 12th को बराबर ध्यान देना है और बराबर फोकस करना है दोनों के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई होप फॉर योर बेस्ट कि आप एक नई अच्छी शुरुआत करेंगे और काफी अच्छा करेंगे आने वाले नीट 2024 में। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है थ्रू आउट योर जर्नी, थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, आप मुझे जरूर मैसेज करिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या आप फिर इसी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।